नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स। ये है क्रिकेट लाइव। मैं हूं प्रीति दहिया और सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। जैसा कि आप जानते हैं, क्रिकेट लाइव में हम हर बार एक स्पेशल टॉपिक या कोई स्पेशल प्लेयर चूज करते हैं जिस पर डिस्कशन होता है, और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होंगे श्रेयस अय्यर। और इसके लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है दो खास मेहमान। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देती हूं। वी हैव फॉर्मर क्रिकेटर्स मुनीश जॉली एंड सचिन राणा हियर विद अस इन आवर शो। वेलकम बोथ ऑफ यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव दैट डिस्कशन विद यू ऑन श्रेयस अय्यर। टारगेट 2020 में श्रेयस अय्यर का क्या रोल होगा? पिछले T20 इंटरनेशनल में जैसा कि उनका परफॉर्मेंस रहा न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद से उनसे उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं एक रिपोर्ट पर। बनाम वेस्ट इंडीज, हैदराबाद 2019। 207 बनाम श्रीलंका, मोहाली 2009। 204 बनाम न्यूजीलैंड, ऑकलैंड 2020। 202 बनाम ऑस्ट्रेलिया, राजकोट 2013। भारतीय टीम ने चार मौकों पर T20 मैच में 200 रन से अधिक रन का पीछा कर मैच जीता। टीम इंडिया के पास हिटमैन रोहित शर्मा है, जिन्हें रंगीन कपड़ों में विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। विराट कोहली टीम इंडिया की बल्लेबाजी के ऐसे कोहिनूर हैं, जिनकी बल्लेबाजी का लोहा पूरी दुनिया मानती है। केएल राहुल अब लगभग हर मैच में ऐसे बल्लेबाजी कर रहे हैं कि दुनिया उन्हें कमाल लाजवाब राहुल मान चुकी है। विकेट के आगे तो आगे, विकेट के पीछे भी राहुल अब टीम मैनेजमेंट की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी की विदाई के बाद मिडल ऑर्डर टीम इंडिया की कमजोर कड़ी मानी जाती थी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते युवा बल्लेबाज अब अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ने लगे हैं। शिखर धवन जब रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हैं तो राहुल ने मिडल ऑर्डर में भी कारगर बल्लेबाजी कर दिखाई। विश्व कप 2019 के बाद श्रेयस अय्यर नंबर 4 पोजीशन पर लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। मनीष पांडे, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा अपनी दावेदारी पक्की करने में लगातार जुटे हुए हैं। संजू सैमसन और ऋषभ पंत भी आने वाले मैच में अपनी दावेदारी साबित करने में कामयाब हो सकते हैं। सबकी नजरें ऑस्ट्रेलिया में 2020 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या टीम इंडिया का ये बल्लेबाजी क्रम इस टूर्नामेंट में लगातार 200 के आसपास रन का लक्ष्य रखने या फिर पीछा करने का मादा रखती है। क्रिकेट लाइव में आज चर्चा का मुद्दा है टारगेट 2020 में श्रेयस अय्यर का रोल। के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल में श्रेयस अय्यर एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट पे मैदान में उतरे थे और एक चुनौतीपूर्ण स्कोर को चेस करते हुए उनका योगदान काफी सराहनीय रहा। चलिए वही डिस्कस करते हैं अपने गेस्ट के साथ। मुनीश, लेट मी स्टार्ट विद यू। कंसीडरिंग द फैक्ट दैट श्रेयस अय्यर वाज एक्चुअली प्लेइंग हिज फर्स्ट T20 इंटरनेशनल अवे फ्रॉम होम एंड कमिंग आउट एट अ मोमेंट लाइक दैट एंड प्लेइंग दैट ब्यूटिफुली, हाउ डू यू सी हिज रोल इन टारगेट 2020? Oh, amazing player, and you need players in 2020 jo ab survival ke liye nahi khelte. He goes out there to attack. He's not playing to survive, to protect his wicket. And the best part of Shreyas Iyer is that, you know, he accepts the challenge. Aur ye abhi se nahi chala raha, jab se unhone debut kiya T20 mein, न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया था। लेकिन जब से हम उन्हें रांची ट्रॉफी में देखते आ रहे हैं, दुलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली, ही इज गॉट बिग स्कोर्स एंड द रीजन इज दैट ही गोज आउट अटैकिंग द बोलर्स। श्रेयस अय्यर की खास बात यह है कि ही इज अ गुड लर्नर। हो सकता है कि श्रेय उनके कोच को भी जाना चाहिए, प्रवीण आमरे, बिग नेम, यू नो, ही इज कोचिंग अजिंक्य रहाणे, देन श्रेयस अय्यर एक और उनकी फैक्ट्री से निकल के आए, मैं ऐसा कहना चाहूंगा बल्लेबाज। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी फास्ट बॉलर को, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उन्होंने एक 100 बनाया वार्म अप गेम में भी, ही इज गॉट दैट एबिलिटी टू मूव अवे एंड टू स्ट्राइक शॉट्स विच आर लाइक अमेजिंग। मिचेल स्टार्क की गेंद पे वो आउट हो गए थे क्वाड बैंड, तो मुझे लगा कि शायद शेकी होंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ, बट दैट काइंड ऑफ शॉट्स ही इज हिटिंग ओवर द कवर्स,
and he's slogging literally. Right. That's called real bashing. Kehte hai na, kapda dhote hai jis wo dhande se. He's literally right. doing that. Amazing. Main sochta hun, ye timing kahan se, utna time kaise mil raha hai unko? Timing and confidence both were noticeable in that innings against New Zealand, Sachin. Lekin humne unke contemporaries ki bhi baat ki, us report mein bhi humne dikhaya. Unke saath jo hain, Hardik Pandya, Shivam Dubey, Ravindra Jadeja, Sanju Samson and others. Unke comparison mein, for you, where does Shreyas Iyer stand? And does he have it in him to sustain this momentum for long? Dekhiye, abhi agar momentum sustain karne ki baat kare, to both... He's going through a very good patch right now. He's scoring runs. He's in a very good form. Hmm. Domestic cricket mein run banate hue aa rahe hain. Wohi form international cricket mein bhi apni leke aaye hain. And he's, jab se wo team mein aaye hain wapas, he's been like in a prolific form basically. Hmm. Rahi baat inke contemporaries ki, to unke mukable, haan, obviously he's a senior cricketer. IPL mein apni team ko lead karte hain, Delhi Capitals ko. So he's got more experience. 100 and two of them just closing into 150. Rohit Sharma, amazing player. You know, we've got three top names in the world. Kohli, Rahul Sharma, Dhawan, the fourth man coming in. Rishabh Pant ko main theek hai, we'll just replace that with Shreyas Iyer. Hmm. And look, 154, he's got the best strike rate in the Indian team since January 1, 2019. Hmm. Though he did not play the series against New Zealand and Australia in the beginning of the year 2019. Hmm. But look at his average, 34.14. That should not be concerning, looking at the fact that strike rate is around 154. 250s. He's played 11 innings. Most of the times he came in where there wasn't too much of runs to be chased. But Dhoni, Pandey, Dubey, you know, right. talented lot hai hamare paas. Aur main ek baat Sachin ki add karna chahunga yahan pe, as hum log yahan pe jo stats dekhe ja rahe hain, jo bade humne score kiye hain 200 ke paar hum log gaye hain West Indies ke khilaf, ya humne jo chase kiye wo bhi dekhe ja rahe hain, uski sabse badi wajah ye hai Preeti ki hamare middle order ne saath diya hai. Ab jab Kohli, Rahul aur Rohit ravana ho gaye dugout mein, aur uske baad ab kya kare, Manish Pandey aage, jaise Sachin ne kaha ki wo kaptani karte hain Shreyas Iyer Delhi Daredevils ke liye, Manish Pandey bhi kaptani karte hain apni state team ke liye. To jab ek kaptan hai, he knows this situation. Ek advantage mujhe aisa lag raha hai ki jab wo shakhs jo domestic cricket mein कप्तानी कर रहा है ना, उसको एक सिचुएशन का पता होता है कि मैंने कब एक्सेलरेट करना है और कब मुझे रोकना है. लेकिन ये हर बार हो ये जरूरी नहीं है. इनफैक्ट सचिन, अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस वाज कंसीडर्ड टू बी आर लिमिटेशन. मिडिल ऑर्डर जैसे ही एक्सपोज होता था, वैसे ही भारतीय टीम क्रम्बल कर जाती थी. पिछली बार जैसे ही श्रेयस अय्यर मैदान में आए, उनके सामने कप्तान का भी विकेट गिर गया. लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने आप को संभाला, अपने पार्टनर को संभाला और चेज को एक प्रॉपर डायरेक्शन दी, डज दैट मीन दैट वी हैव एंटर्ड दैट एरा व्हेन वी कैन एक्चुअली रिलाई ऑन आवर मिडिल ऑर्डर विद द लाइक्स ऑफ श्रेयस अय्यर एंड अदर्स? I mean, we would like to think so. Ki, I mean, अगर ऐसा कुछ होगा तो it's good for Indian cricket. कि अगर ऐसा कुछ हमने इन दो खिलाड़ियों में ऐसा एक स्टेबल मिडिल ऑर्डर पा लिया है, राहुल में और अय्यर में, कि जब टीम को क्राइसिस हो या टॉप ऑर्डर अगर क्रम्बल कर जाता है, जल्दी विकेटें गिरती हैं, तो दे कैन कम आउट एंड स्टेबलाइज द इनिंग एंड टेक द टीम फ्रॉम देयर. लेकिन वही है कि अभी धोनी, युवराज, इन लोगों के जाने के बाद पिछले दो साल तीन साल से हम लोग मिडिल ऑर्डर अपना बनाने के ही फेज में चले जा रहे हैं. कोई भी अपनी जगह को पक्की नहीं कर पाया था. तो ऐसे में ये भी होता है कि कई बार जब इतने ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, परफॉर्मेंस भी आपके ऊपर नीचे है, तो आप उतना खुल के खेल भी नहीं पाते हैं, बिकॉज यू आर जस्ट ट्राइंग टू, जो हम सर्वाइवल की भी बात करते हैं, यू जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव एंड सीमेंट योर प्लेस इन द साइड. अभी द वे दीज टू गाइज हैव बैटेड, अय्यर ने जिस तरीके से आके बैटिंग कर रही है, तो अभी जगह बनाने का तो दिमाग में है ही नहीं. अभी तो बस उनके दिमाग में ये है कि जाके बस मैंने मैच जिताना, रन बनाना, इस तरीके से खेलना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. बट व्हाई कांट वी गिव देम दैट सिक्योरिटी मुनीश, दैट योर प्लेस इज परमानेंट? आई मीन, यू हैव बीन परफॉर्मिंग वेल, व्हाई शुड दे ऑलवेज स्टे इनसिक्योर कि कोई और आके हमें हटा देगा इस जगह? वेरी गुड क्वेश्चन. अगर आप पन्ने पलट के देखो, ऋषभ पंत को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी तो इनसिक्योरिटी का कोई नाम नहीं आता. उससे पहले अगर आप जाओ नंबर चार में, आपने विजय शंकर को बहुत चांस दिए, इनसिक्योरिटी का कोई नाम नहीं आता. अंबटी रायडू एक और नाम आ गया, मैं पन्ने पलट रहा हूं. अब जब आप आगे आ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई इनसिक्योरिटी नाम का वर्ड होना चाहिए, बिकॉज ये इंडियन टीम आपको अपॉर्चुनिटी बहुत दे रही है. बिकॉज वाई? बिकॉज दे आर एक्सपेरिमेंटिंग. अब श्रेयस अय्यर के ना कुछ स्टैट्स भी हमें पढ़ने बहुत जरूरी है कि वाई दे आर ऑप्टिंग फॉर श्रेयस अय्यर, बिकॉज दे आर लॉट ऑफ थिंकिंग गोइंग ऑन बिहाइंड द कर्टन्स. डोमेस्टिक क्रिकेट में जो डोमेस्टिक टीम्स के जो कोचेस होते हैं, उनसे भी सलाह ली जाती है. श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड है रांची ट्रॉफी के अंदर, फोर्थ इनिंग्स में इनकी बेस्ट एवरेज है, स्ट्राइकिंग रेट भी बहुत अच्छा है, और फोर्थ इनिंग्स वाइल्ड चेजिंग बेस्ट एवरेज. उसी तरीके से जब ये चेज करने जाते हैं अपने स्टेट टीम के लिए, वहां पर भी इनकी एवरेजेस बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े स्कोर बनाए हुए हैं. So to break that down simply for the viewers, this means that this man performs under pressure. And the thing is, there is no question of insecurity when you pick up the best out of millions. Right, okay. Aur I think that's a very fair point. Aur isme ek aur cheez main add karna chahunga ki,
प्रेशर और ये अगर हम इनसिक्योरिटी तो क्या वर्ड अगर हम साइड में रखें, प्रेशर की अगर हम बात करें, इफ यू प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट प्रेशर तो रहना ही रहना है हर मैच में। अगर विराट कोहली दो मैच तीन मैच में नहीं करेंगे परफॉर्म, उन पे भी प्रेशर आएगा, चाहे वो उनका अपना खुद का प्रेशर हो परफॉर्मेंस का या बाहर का। तो ये टॉप फ्लाइट क्रिकेट है या कोई भी आप स्पोर्ट अगर टॉप लेवल पे खेलते हैं तो प्रेशर विल बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर स्पोर्टिंग। दैट्स व्हाई योर टेम्परमेंट एंड योर एटीट्यूड इज टेस्टेड एज अ परफॉर्मर एज अ क्रिकेटर। विद दैट वी आर गोइंग टू हेड इनटू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक हियर। ब्रेक के उस पार हम अपने सोशल मीडिया एक्सपर्ट को लेकर आएंगे और उनसे पूछेंगे कि सोशल मीडिया पे ट्विटर पे श्रेयस अय्यर को लेकर और बाकी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को लेकर क्या चर्चा चल रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। आइए मनोरंजन की एक नई दुनिया में। डीडी फ्री डिश भारत की एकमात्र फ्री डीटीएच सर्विस, जिसमें आपको मिलेंगे मनोरंजन से भरपूर 6 टीवी चैनल्स, 10 मूवी चैनल्स, 7 म्यूजिक चैनल्स, 2 चैनल्स स्पोर्ट्स के, 22 चैनल्स समाचार के, 2 लोकसभा और राज्यसभा के, 8 आध्यात्मिक चैनल्स और 38 क्षेत्रीय चैनल्स, यानी कुल मिलाकर आपको मिलेंगे 95 टीवी चैनल्स और साथ ही साथ आपको मिलेंगे आकाशवाणी के 39 डिजिटल रेडियो चैनल्स भी। इतना ही नहीं, ये सभी चैनल्स आपको मिलेंगे बिल्कुल मुफ्त, यानी बिना किसी मासिक केबल शुल्क के। बस एक बार डीडी फ्री डिश लगवाइए और जीवन भर पैसे देने से छुटकारा पाइए। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.doordarshan.gov.in। डीडी फ्री डिश, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। क्रिकेट लाइव में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बात हो रही है श्रेयस अय्यर की और मेरे साथ अब स्टूडियो में आ गए पीएस श्रीजीत। नाम मिलता जुलता है लेकिन काम बिल्कुल अलग है। श्रीजीत हमारे ब्लॉगर है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। श्रीजीत स्वागत है आपका क्रिकेट लाइव में। और ट्विटर पे लेके सोशल मीडिया पे अगर श्रेयस अय्यर की बात की जाए, आर वी पिकिंग अप अ लॉट ऑफ पॉजिटिव कमेंट्स ऑन हिम? विदाउट एनी डाउट प्रीति, क्योंकि काफी समय से नंबर चार को लेकर चर्चाएं हो रही थी विश्व कप के बाद से। हालांकि ये T20 मुकाबला है और ये साल जो है काफी महत्वपूर्ण है, तो जिस तरीके की इनिंग्स उनकी रही है और काफी समय से मुंबई सर्कल में, मुंबई स्कूल ऑफ क्रिकेट से आते हैं और काफी समय से कह रहे थे कि क्यों वो टीम में नहीं खेल रहे हैं, और वजह यह है जिस तरीके से उनकी पारियां रही हैं। पहले दो मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालांकि नहीं कर पाए, सवाल उठ रहे थे, तीसरे मैच में उन्होंने वापसी की और पहले T20 में उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली और उसके बाद से फिर ये कह रहे हैं सारे लोग कि वो एक फिनिशर, बेहतरीन फिनिशर है भारत के, और काफी अच्छा संकेत है। राइट, तो चला देते हैं कुछ ट्वीट जो आप हमारे लिए आए। लेट्स प्ले द फर्स्ट ट्वीट देन। तो अनुराग सिन्हा लिखते हैं, श्रेयस अय्यर हैज अ प्रॉब्लम विद द शॉर्ट बॉल, बट द वे ही हैज ओवरकम इट इन द लास्ट मैच शोज हिज इमेंस हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, ही इज द बेस्ट एट नंबर 4। तो हमने सवाल यही पूछा था कि युवराज सिंह के बाद क्या हमें वो खिलाड़ी मिल गया है, हालांकि हम कंपेयर तो नहीं कर सकते। दूसरा ट्वीट देख लेते हैं, सुरेश ने भेजा है, लिखते हैं, श्रेयस हैज विदाउट एनी डाउट सीमेंटेड नंबर 4 पोजीशन इन द साइड एंड KL राहुल हैज राइटली सेड दैट श्रेयस इज अ ब्रिलियंट फिनिशर। KL राहुल हिमसेल्फ वाज अ फिनिशर इन द सीरीज against Australia and he's complimenting on Shreyas Iyer, quite commendable. बिल्कुल, अगला ट्वीट देख लेते हैं, श्रेयस का प्रदर्शन अच्छा रहा है, मुझे लगता है श्रेयस को लगातार नंबर चार पर खिलाना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको कहा, आपसे ये बात भी की थी कि ये लगातार चल रहा है ट्विटर पर और अलग प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अंशुल शुक्ला लिखते हैं, श्रेयस अय्यर इज बेस्ट एट नंबर 4 बट इज नॉट लाइक युवराज सिंह। हालांकि कंपैरिजन जो है, जब बात आती है युवराज सिंह की, तो शायद कहीं ना कहीं ट्विटर आर्टिस्ट जानते हैं कि युवराज सिंह के साथ कंपेयर आप नहीं कर सकते। बेहतरीन अवॉइडेबल कंपैरिजन कभी युवराज सिंह से होगी, कभी MS धोनी से होगी। दीज यंगस्टर्स हैव टू बेयर विद दैट प्रेशर। जी हाँ, श्रेयस अय्यर ने नंबर 4 के स्थान को अपने लिए मजबूत कर लिया है। अब उनके अलावा टीम इंडिया किसी को भी शायद इस स्थान पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, और क्योंकि इस स्थान पर किसी का भी श्रेयस अय्यर के अलावा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, चाहे ODI हो या T20। अक्रॉस फॉर्मेट्स पीपल आर बैकिंग हिम टू बी द नेक्स्ट नंबर 4 एंड सीमेंट हिज प्लेस देयर। एब्सोल्युटली। नितेश राय लिखते हैं, आफ्टर स्कोरिंग 1381 रन इन 11 रणजी गेम्स, अय्यर डिडंट गेट अ चांस इन 2016-17। Now I think he has cemented his place at number 4.
Having said that, one cannot compare Shreyas with Yuvraj Singh. तो वो दौर था जब लगातार हर प्लेटफॉर्म पर वो रन बना रहे थे. He was knocking the door at regular interval, but yeah. उस समय किसी ने उन्हें ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब हर कोई देख रहा है. एक और कंपैरिजन युवराज सिंह से, no one really matched the sixer king Yuvraj Singh at number 4, but looking at the present scenario, I think Shreyas Iyer best fits at number 4. So Shrijit, आप मुझे लगता है जानबूझ के सारी कंपैरिजन चूज करके लाए हमारे ट्वीट्स के लिए, because repeatedly we are seeing people are comparing him with युवराज सिंह. हाँ, युवराज सिंह हम जानते हैं जिस तरीके से उन्होंने वापसी की है, किस दौर से वो गुजर रहे थे, वो एक फाइटर है. और हाँ, श्रेयस अय्यर अभी आए हैं इंटरनेशनल अरेना में और समय उनके पास, और देखते हैं किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं. थैंक यू वेरी मच श्रीजीत स्टूडियो में आने के लिए, हमारे साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए. विद दैट विल टेक अनदर क्विक ब्रेक हियर. ब्रेक के उस पार एक बार फिर से हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे. आप देखते रहिए क्रिकेट लाइव. आइए मनोरंजन की एक नई दुनिया में. डीडी फ्री डिश, भारत की एकमात्र फ्री डीटीएच सर्विस, जिसमें आपको मिलेंगे मनोरंजन से भरपूर 6 टीवी चैनल्स, 10 मूवी चैनल्स, 7 म्यूजिक चैनल्स, 2 चैनल स्पोर्ट्स के, 22 चैनल्स समाचार के, 2 लोकसभा और राज्यसभा के, 8 आध्यात्मिक चैनल्स और 38 क्षेत्रीय चैनल्स. यानी कुल मिलाकर आपको मिलेंगे 95 टीवी चैनल्स और साथ ही साथ आपको मिलेंगे आकाशवाणी के 39 डिजिटल रेडियो चैनल्स भी. इतना ही नहीं, ये सभी चैनल्स आपको मिलेंगे बिल्कुल मुफ्त, यानी बिना किसी मासिक केबल शुल्क के. बस एक बार डीडी फ्री डिश लगवाइए और जीवन भर पैसे देने से छुटकारा पाइए. अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.doordarshan.gov.in. डीडी फ्री डिश, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार. क्रिकेट लाइव में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है. हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स मुनीश जॉली एंड सचिन राणा आर बैक विद अस इन आवर स्टूडियोस. मुनीश, व्हेन वी वर इन द सोशल मीडिया सेगमेंट, देयर वर सो मेनी कंपैरिजंस ऑफ श्रेयस अय्यर विद युवराज सिंह. तो मेरा सवाल यह है कि युवराज सिंह के लेवल तक पहुंचने के लिए श्रेयस अय्यर को अभी क्या कुछ करके दिखाना है? शुक्रिया शिवम दुबे को कंपेयर नहीं किया गया. आ गए यहाँ पे श्रेयस अय्यर, बट द फैक्ट इज लाइक मे बी दे कंपेयरिंग बिकॉज ऑफ द हार्ड हिटिंग, यू नो, एंड ही इज गॉट दैट टेम्परामेंट टू हिट अलोंग द ग्राउंड, ही इज गॉट दैट टेम्परामेंट टू गो ओवर द बाउंड्री रोप्स ऑल्सो. लेकिन श्रेयस अय्यर की मैं कुछ आपको बातें बताना चाहूंगा जो हम सब लोग शायद उस चीज से वाकिफ ना हो. एक ऐसे प्लेयर की हम बात कर रहे हैं हु इज अ हार्ड हिटर, हु वांट्स टू गो आफ्टर द बॉलर, ही वांट्स टू डोमिनेट द बॉलर्स रादर देन द बॉलर्स लेटिंग यू नो डोमिनेट हिम. और हर फॉर्मेट में, T20 में 147, मुश्ताक अली ट्रॉफी में हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट इंडियन टू डू दैट, उसके बाद रणजी ट्रॉफी सीजन में जो लॉन्ग वर्जन है वहां पे भी हाईएस्ट स्कोर रहे. तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो टेम्परामेंट है अटैक करने का, एंड ही नोज व्हेन टू स्लो डाउन. ही हैज गॉट दैट एबिलिटी टू कन्वर्ट द सिंगल्स आल्सो. और इसीलिए शायद नंबर 4 के लिए ऐसे ही प्लेयर चाहिए, जब रोटेट करनी हो स्ट्राइक तब भी वो हाजिर हो, और अटैक करना हो, फिनिश अच्छा करना हो, तब भी वो हाजिर हो. ओके सचिन, एक और थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल आप कह सकते हैं ये है कि अभी हमारे पास 100% फिट साइड नहीं है, इन द सेंस दैट शिखर धवन इज सिटिंग आउट, हार्दिक पांड्या इज सिटिंग आउट. वंस दीज टू कम बैक इन द स्क्वाड, डू यू सी द लाइक्स ऑफ श्रेयस अय्यर विल स्टिल बी यू नो अ पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11? अगर शिखर ओपन करेंगे तो केएल राहुल नीचे आ जाएंगे, ऑलराउंडर के स्पॉट में हार्दिक पांड्या आ जाएंगे, श्रेयस अय्यर का क्या होगा? देखिए उसको बोलते हैं हैप्पी हेडेक तो होगा ये मैनेजमेंट के लिए कि क्या हो, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं ये, तो अभी तक तो फिलहाल के लिए तो सेफ लगती है इनकी जगह. हार्दिक ऑब्वियसली इज द वे इज परफॉर्म फॉर द टीम फॉर द लास्ट 2-3 इयर्स, इज नो डाउटिंग इज कैपेबिलिटीज, लाइक डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स लेके आते हैं, बॉल भी डालते हैं साथ में, इज लाइक ए जेन्युइन ऑलराउंडर जो आपको 8-10 ओवर भी डाल के देते हैं. तो ऐसे में इंस्टेड ऑफ अय्यर आई वुड से समवन लाइक अ मनीष पांडे माइट स्ट्रगल टू फाइंड अ स्पॉट, जो वैसे भी इन एंड आउट रहते हैं टीम में. सो अय्यर का अभी फिलहाल के लिए तो आई सी इज अ लिटिल लाइक सेटल्ड इन द साइड, सेफ एंड सेटल्ड. ओके, योर थॉट्स? प्लस ही इज अ कंप्लीट पैकेज, ही इज अ गुड फील्डर, ही इज अ गुड कैचर. T20 में आपको हाफ चांसेस कन्वर्ट करने पड़ेंगे. मनीष पांडे भी, उनका वो कैच हम भूले थे. या बट यू सी वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पॉट. आपने हार्दिक पांड्या की बात की तो मैं कहूंगा उस समय नवदीप सैनी या फिर श्रेयस अय्यर की जगह वो लेंगे, सो द मिडिल ऑर्डर विल नॉट बी टच्ड. लेकिन अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो अगर आप शिखर धवन को खिलाओगे तो आपको फिर वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा मनीष पांडे के साथ. बट फिर वही सवाल आता है, सच्ची बात बोलूं प्रीति, आई एम नॉट मिसिंग हार्दिक पांड्या.
Neither am I missing any other player. Looking at the talent and looking at the backup plans India has, tremendous. No, but that has always been, like he says, a happy headache. And that has been a part of the Indian team management's problems, so to say, for a while now. Itna zyada push hota hai bench strength se ki aap kabhi bhi ye nahi keh sakte ki I am comfortably placed. Aap Virat Kohli nahi hai ki aapki jagah abhi touch nahi ki jayegi. Even for that level, you have to, you know, cover the ranks. Let me just add on to what you've said. Hum log bahut charcha kar rahe hain middle order mein kya hoga, middle order mein. Lekin middle order ki zarurat kab padti hai jab top order hamara flop kar jata hai. Hamare paas top 3 ballebaaz hain world ke aur uske baad middle order aata hai. Middle order hame aisa chahiye ki agar wo click na kare to hum yahan pe cheeze sambhal le. Uska matlab kya hai? India is preparing to attack. And when they prepare to attack, they have the capability of going beyond 200 when they're batting first and they can chase 200. So, ye jo attacking wala jo format hai na, ye T20 ka format hi attacking wala hai. I think it's a good ploy. And I think this fearlessness, Sachin, is promoted by the captain himself, because I was reading the interview of Shreyas Iyer in that last match of the ODI series against Australia. Apparently, Shreyas approached the captain at the crease and asked him, should I attack, at the time when Mitchell Stark was bowling. And he said, please go ahead. So this fearlessness is actually promoted by the captain himself, by the management himself. If you are an attacking player, there is no, no one is asking you to control your instinct. Bilkul, dekhi, ek inherent jo ability hoti hai player ki, ek jo unka nature hota hai, jis tarike se wo khelte aaye hain hamesha se hi. वो चीजें तो ऑब्वियसली बहुत कुछ डिटरमिन करती हैं जब आप उतरते हैं खेलने में. श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करें, उनका फर्स्ट क्लास हम एवरेज की बात करें, बट अगर हम उनका स्ट्राइक रेट भी देखेंगे तो इट्स वेल अराउंड 75-80 वाला स्ट्राइक रेट है उनका. वो रणजी ट्रॉफी है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, जो भी खेलते हैं वो लगा के ही खेलते हैं, जो अगर उसको क्रिकेटिंग भाषा में जो हम बोला जाता है कि वो बॉलर को डोमिनेट करके रखते हैं, तेजी से रन बनाते हैं बेसिकली. और ऐसे में आपके कप्तान का भी हाथ हो आपके पीछे कि हाँ चाहिए, यू कैन गो आउट एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ फ्रीली, तो वो इट गिव्स यू इवन मोर कॉन्फिडेंस. फिर साथ में रन लगते जाना, अच्छी फॉर्म में होना, सो एवरीथिंग एड्स अप बेसिकली. एंड आई थिंक अगर मैं ऐड करूं, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, ही इज वन बैट्समैन हु इज कंपेयर्ड टू वीरेंद्र सहवाग. वो जब से रणजी ट्रॉफी खेले, इंडिया नहीं खेले तो बोले ये सहवाग का दूसरा रूप है, दिख रहा है. बट मैं तो ये बोलूंगा कि उनकी वजह पृथ्वी शॉ ज्यादा सेवा करो. वी हैव प्लेंटी ऑफ टैलेंट एंड दैट ऑल्सो एड्स ऑन टू अ लॉट ऑफ यू नो प्रेशर ऑन दीज यंगस्टर्स टू मेंटेन देयर प्लेस इन द प्लेइंग 11. बट क्लोजिंग कमेंट्स मुनीश, एज वी रैप अप दिस एडिशन ऑन श्रेयस अय्यर, द टॉपिक वॉज टारगेट 2020 में श्रेयस अय्यर का रोल. एज ऑफ नाउ यू डू सी हिम मेकिंग टू द T20 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया? नो डाउट. Okay. I would definitely choose him, not only because of his batting, but as a package. You know, he is adding a lot of positivity in the Indian team. Look at his face, chewing gum kha rahe hain, or you know, that adds to ki yaar itna young ladka itna confident kaise ho sakta. So for me, he's there. All right, on that note, thank you very much Munish and Sachin for joining us in this edition. Pleasure. Of Cricket Live. On that happy note, we are wrapping up this edition of Cricket Live. Lekin aap bane rahiye hamare saath DD Sports pe, break ke